दोस्तों आज हम बात करेंगे चना और गुड़ दोनों को साथ में खाने के फायदों के बारे में। दोस्तों इन दोनों को साथ में खाने से बहुत सी बीमारियां दूर कर सकते हो। चीनी और गुड़ दोनों गन्ने के रस से बनते हैं, लेकिन चीनी बनाते वक्त उसमें मौजूद आयरन तत्व, पोटेशियम, गंधक, फास्फोरस और कैल्शियम आदि तत्व नष्ट हो जाते हैं, लेकिन गुड़ के साथ ऐसा नहीं होता। चना और गुड़ मांसपेशियों को बनाने में बहुत मददगार है, क्योंकि इसमें प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा होती है जो मांसपेशियों को बनाने में सहायक होते हैं। रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया की बीमारी हो जाती है। यह समस्या आयरन की कमी के कारण होती है। थकान और कमजोरी है तो गुड़ और चना खाने से इन सभी समस्याओं से निजात मिलती है। चने के साथ गुड़ लेने से शरीर की चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म दर बढ़ जाती है, जो मोटापे को कम करने में मदद करता है। इनमें पोटेशियम होता है जो हार्ट अटैक जैसे दिल की बीमारियों से बचाने में मदद करता है। गुड़ और चने में फाइबर भरपूर मात्रा में मौजूद होता है, जिस कारण इसे खाने से पाचन तंत्र सही रहता है और कब्ज की शिकायत भी दूर होती है। चना और गुड़ खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं, क्योंकि कैल्शियम इन दोनों में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जिन्हें भी हाथ पैर दर्द, बदन दर्द, घुटनों में दर्द हो, वो चना और गुड़ जरूर खाएं। गुड़ और चना में अमीनो एसिड, ट्रिप्टोफैन और सेरोटोनिन शामिल है, जो कि तनाव को कम करता है और यह अवसाद से बचाने में भी मदद करता है। गुड़ और चना में विटामिन B6 होता है, जिसे दिमाग की ताकत बढ़ती है और याददाश्त तेज होती है। इसमें जिंक होता है जो चेहरे की चमक बढ़ाने में मदद करता है। गुड़ और चना में फास्फोरस होता है, जिसे दांत मजबूत होते हैं। गुड़ के साथ चना खाने से शरीर के जहरीले पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और इससे पुरुष और महिलाओं दोनों की त्वचा और भी निखर जाती है, चेहरा ग्लो हो जाता है। रोज सुबह खाली पेट एक गिलास गुनगुने पानी के साथ अगर 10 ग्राम गुड़ खाया जाए तो इससे शारीरिक कमजोरी, पेट में किसी भी तरह की समस्या, एसिडिटी, कब्जे को दूर करता है। ये पेट को ठंडक देता है। इसके अलावा जिन लोगों को गैस की परेशानी हो, कमजोरी हो, शरीर में खून की कमी हो, पाचन शक्ति कमजोर हो, तो वो लंच के बाद 10 से 15 ग्राम गुड़ खाएं। इससे उनको फायदा मिलेगा। गुड़ आयरन का मुख्य स्रोत है, इसलिए यह एनीमिया के मरीजों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। खासतौर पर महिलाओं के लिए इसका सेवन बहुत अधिक जरूरी है। गुड़ और चने ब्लड से खराब टॉक्सिन को दूर करते हैं, जिससे त्वचा दमकती और मुहासे की समस्या नहीं होती। बहुत ज्यादा थकान और कमजोरी महसूस करने पर गुड़ और चने का सेवन करने से आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। गुड़ जल्दी पच जाता है और इससे शुगर का स्तर भी नहीं बढ़ता। लेकिन ध्यान रहे कि जिनका शुगर लेवल पहले से बढ़ा हुआ है, वो गुड़ का सेवन ना करें। अगर करना चाहते हो तो अपने डॉक्टर से बात करके ही करें। गुड़ शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित रखता है। इसमें एंटी एलर्जिक तत्व मौजूद होते हैं, इसलिए दमा के मरीजों को इसका सेवन जरूर करना चाहिए। रोज गुड़ चने के साथ थोड़े से अदरक के टुकड़े को साथ में खाने से जोड़ों के दर्द, कमर दर्द, बदन दर्द से छुटकारा मिलता है। गुड़ चने का सेवन दोस्तों आप कभी भी कर सकते हो। जब भी थोड़ी सी भूख लगे, गुड़ और चने का सेवन कीजिए और स्वस्थ रहिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और हौसला अफजाई के लिए जाते जाते वीडियो को लाइक कर दे जाना। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।